नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कट्टा। व्हाट्सएप को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। आज के वक्त में व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है, पर कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करके यूजर्स को बहुत बड़ा धक्का दिया था, जिस पर दुनिया भर में सवाल भी खड़े किए गए। और शायद इसलिए अब व्हाट्सएप अपनी ही प्राइवेसी पॉलिसी से पीछे हटकर यूजर्स का भरोसा बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि लौट कर बुद्धू घर को आए। असल में बीते दिनों चर्चा का विषय रह चुका व्हाट्सएप अब अपनी ही शर्तों से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। अब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी अपडेट की सीमा बढ़ा दी है। व्हाट्सएप का जो अकाउंट 8 फेब को बंद होने वाला था, उसकी समय सीमा बढ़ाकर 15 मई तक कर दी गई है। पर इस प्राइवेसी पॉलिसी को धीरे धीरे लाया जाएगा, जिससे कि यूजर्स इसका अपडेट समझ पाएंगे और उनकी गलतफहमी भी दूर होगी। बता दें कि अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर उठ रहे सवालों पर सफाई देते हुए व्हाट्सएप ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, जिसमें उसने लिखा, हम सुन रहे हैं कि हमारे लेटेस्ट अपडेट को लेकर काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। यह अपडेट फेसबुक के साथ डेटा साझा करने के लिए हमारी क्षमता का विस्तार नहीं करता। वैसे व्हाट्सएप ने इससे पहले भी सफाई देते हुए कहा था कि हम आपके निजी संदेश नहीं देख सकते या आपकी कॉल नहीं सुन सकते हैं और ना ही फेसबुक ऐसा कर सकता है। हम आपके मैसेजेस या कॉल का विवरण नहीं रखते हैं। हम आपके द्वारा शेयर की गई लोकेशन भी नहीं देख सकते और ना ही फेसबुक ऐसा कर सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल इसी महीने दुनिया भर के व्हाट्सएप यूजर्स को एक नोटिफिकेशन मिली थी, जिसमें कहा गया था कि कंपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी और नीतियां तैयार कर रही है। इस प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक के मालिकाना हक वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के यूजर्स को कुछ डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाना है। इसी के बाद दुनिया भर में बवाल छिड़ गया और यूजर्स तेजी से टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्राइवेट मैसेजिंग ऐप्स पर स्विच करने लगे। इस विवाद के बाद बहुत से यूजर्स ने ऐप को अनइंस्टॉल करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद व्हाट्सएप लगातार अपनी सफाई पेश कर रहा है और यूजर्स को बताने की कोशिश कर रहा है कि उनकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। बावजूद इसके युवाओं की बहुत बड़ी आबादी अभी भी व्हाट्सएप की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ 50 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने सिग्नल ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वही टेलीग्राम का भी लोकप्रियता कम नहीं। इसके भी यूजर्स 500 मिलियन से भी ज्यादा हैं। जाहिर है इस पूरे विवाद का फायदा टेलीग्राम और सिग्नल जैसे दूसरे सोशल मैसेजिंग ऐप्स को मिला। खैर, अब देखना यह है कि व्हाट्सएप अपनी बातों से यूजर्स को समझा पाएगा या नहीं। देखते रहिए दी कंटाप और हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।